राजनांदगांव शहर के लालबाग थाना प्रभारी पर गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाते हुए जिला भाजपा युवा मोर्चा ने थाना प्रभारी के खिलाफ ज्ञापन सौंप कर उन्हें हटाए जाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने लालबाग थाना प्रभारी को हटाए जाने और उनकी जगह किसी जिम्मेदार अधिकारी को लाने की मांग की है। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं। वो सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ तक कि अपने थाने क्षेत्र के लोगों का भी फोन नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को महत्वपूर्ण थाने की जिम्मेदारी ना दी जाए, उन्हें यहाँ से हटाया जाए। आज हम लोग युवा मोर्चा के साथी लाल बाग टीआई जो है उनकी लगातार शिकायतों को लेकर आज एसपी साहब से हमने उनकी शिकायत की है। ना किसी का फ़ोन उठाना, ना सामाजिक कार्यकर्ताओं का फ़ोन उठाना, ना राजनीतिक पार्टियों के किसी नेताओं का फ़ोन उठाना, यहाँ तक कि जो क्षेत्र है लालबाग थाना क्षेत्र, वहाँ भी ग्रामीण अगर किसी विषय पे फ़ोन करते हैं तो ना वो फ़ोन उठाते हैं, ना वो किसी को कॉल बैक करते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को इतना महत्वपूर्ण थाने पे यहाँ पे वो ड्यूटी पे हैं, तो ऐसा उनको उन थानेदार को यहाँ से हटाया जाए, ये कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।